हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी एग्जाम गुरु। दोस्तों, आज हम यूजीसी नेट की 10th यूनिट हायर एजुकेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे। नेट के एग्जाम में अक्सर यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे वेब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे भविष्य में आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन और भी अच्छे से हो सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम उन एक्ट को पढ़ेंगे जो आजादी से पहले ब्रिटिश लोग भारत में लेके आए थे। चार्टर एक्ट 1813 में आया। इस एक्ट को भारत में ब्रिटिश लोग ले गए हैं। इस एक्ट को लाने का एक ही उद्देश्य था, जिससे भारत में साइंटिफिक नॉलेज का प्रचार प्रसार किया जा सके। इस एक्ट के अनुसार क्रिश्चियन मिशनरियों को अपना धर्म का प्रचार प्रसार करने की अनुमति प्रदान की गई। हिंदू कॉलेज एस्टेब्लिश्ड इन कोलकाता इन 1817 में हिंदू कॉलेज को की स्थापना की गई। हिंदू कॉलेज एस्टेब्लिश्ड इन कोलकाता इन 1817 में कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। हिंदू कॉलेज का नाम बदलकर प्रेसिडेंसी कॉलेज 1855 में किया गया। प्रेसिडेंसी कॉलेज चेंज टू प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी इन 2010 में प्रेसिडेंसी कॉलेज को चेंज कर दिया के उसको यूनिवर्सिटी में बदल दिया गया। एलिफेंटो स्टोन रिपोर्ट 1823 में एलिफेंटो स्टोन इंस्टीट्यूट स्थापित किया गया मुंबई में। इस रिपोर्ट के अनुसार अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एग्जामिनेशन ऑफिसर, ट्रेनिंग फॉर टीचर्स, स्कूल सुपरवाइजर्स। एलिफेंटो स्टोन यूनिवर्सिटी इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेज इन मुंबई। मेकाले रिपोर्ट, ये रिपोर्ट 1835 में आई। मेकाले वांटेड एजुकेशन ऑन सेक्युलरिज्म एंड द साइंटिफिक मेथड ऑफ इंडिया। मेथड इन मेकाले रिपोर्ट। मेकाले रिपोर्ट 1835 में आई। मेकाले वांटेड एजुकेशन ऑन सेक्युलरिज्म एंड द साइंटिफिक मेथड इन इंडिया। इस रिपोर्ट के अनुसार मेकाले की चाहते थे कि भारत की जो शिक्षा प्रणाली हो वो धर्मनिरपेक्षित हो और वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित हो और जो पुरानी पूर्वाग्रह से मुक्त हो तथा पश्चिमी सभ्यता पर आधारित हो। इंट्रोड्यूस इंग्लिश इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम। दोस्तों, ये पहली ऐसी रिपोर्ट थी जिसमें इंग्लिश भाषा को इंडियन एजुकेशन सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया गया था। इन 1837 लॉर्ड विलियम जर्नल एट दैट टाइम गिव द इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेटस। इन 1837 लॉर्ड विलियम जर्नल एट दैट टाइम गिव द इंग्लिश लैंग्वेज द ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेटस। 1837 में लॉर्ड विलियम ने अंग्रेजी भाषा को सरकारी भाषा का दर्जा दिया। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट इंग्लिश इज कंपल्सरी फॉर एवरी पर्सन हु वांट टू डू अ गवर्नमेंट जॉब। इस रिपोर्ट के अनुसार इंग्लिश भाषा को उन लोगों के लिए कंपल्सरी कर दिया गया जो गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्टेड थे। वन ऑन सेकेंडरी एंड प्राइमरी एजुकेशन इट वॉज इम्प्लीमेंटेड। इस रिपोर्ट को प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर इम्प्लीमेंट किया गया। रिमूव एज रिलेटेड बायसेस फॉर एजुकेशन। वोट डिस्पैच 1854। अंडर दिस पॉलिसी थ्री यूनिवर्सिटी वर एस्टेब्लिश्ड इन 1857। इस पॉलिसी के अनुसार 1857 में भारत में तीन यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश की गई, कोलकाता, मुंबई और मद्रास। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट इंग्लिश शुड बी यूज फॉर हायर एंड सेकेंडरी एजुकेशन। इस रिपोर्ट के अनुसार इंग्लिश भाषा को सिर्फ हायर एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन में ही लागू करने के लिए कहा गया। यूज ऑफ मदर टंग फॉर प्राइमरी एजुकेशन, जबकि माध्यमिक प्राथमिक शिक्षा के लिए मातृभाषा का उपयोग ही जरूरी माना गया। इट इज ऑल्सो नोन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। वुड डिस्पैच रिपोर्ट को मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया भी कहा जाता है। दोस्तों, वुड डिस्पैच रिपोर्ट हमने आपको समझाई, आपको समझ आया होगा। तो इसका एक क्वेश्चन है कि वुड डिस्पैच रिपोर्ट का नाम वुड डिस्पैच क्यों पड़ा, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए हम नेक्स्ट पॉलिसी पढ़ते हैं। हंटर कमीशन 1882। दिस कमीशन एम्फेसाइज्ड द सेपरेशन ऑफ प्राइमरी एंड हायर एजुकेशन। इस कमीशन ने प्राइमरी उच्च शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा दोनों को अलग अलग करने की बात कही। इन दिस कमीशन मोर एम्फेसिस वॉज लेड ऑन वुमेन एजुकेशन। दोस्तों, ये पहला ऐसा कमीशन था जिसमें वुमेन एजुकेशन को लेकर बात की गई। इट हैज बीन प्रपोज्ड इन दिस कमीशन डेट एफिलिएशन ऑफ कॉलेज फ्रॉम द यूनिवर्सिटी शुड बी डन सो डेट हायर एजुकेशन कैन बी स्टैंडर्डाइज। कॉलेजों का संबंधन विश्वविद्यालयों से इसलिए किया गया ताकि उच्च शिक्षा को मानकीकृत किया जा सके। हंटर कमीशन इज ऑल्सो नोन एज इंडियन एजुकेशन कमीशन। हंटर कमीशन को इंडियन एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। यूनिवर्सिटी कमीशन 1902।
On January 27, 1902, under the chairmanship of Thomas Rowley, Lord Curzon appointed the University Commission to explain the importance of higher education. Lord Curzon ने उच्च शिक्षा के महत्व को समझाने के लिए Thomas Rowley की अध्यक्षता में 27 जनवरी 1902 को एक University Commission का लाया गया. This commission paid special attention for three things. इसके अनुसार तीन मुख्य बातों पर ध्यान दिया गया कि विद्यालयों की स्थिति पर और उनके विचारों पर तथा कार्य करने के कार्य पर और उनमें सुधार करने पर. On the recommendation of the University Commission 1902, the Indian University Act 1904 was passed on 21 March. दोस्तों, इसकी रिकमेंडेशन पर इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 पास किया गया 21 मार्च को. चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही. आगे की कमीशन या करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए हमारे साथ. जय हिंद.